सो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BSNL Wings ऐप के बारे में, जो कि काफी अच्छी ऐप है और आप इस ऐप से जो है आराम से कॉल मेक कर सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मल अपने फोन डायलर से आप जो है डायल करते हो, वैसे आप जो है BSNL विंग ऐप को डाउनलोड करके गाइस आप जो है ये काम एकदम बढ़िया तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाती हैं, इसमें क्या खास है इस ऐप में, उसी के बारे में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो लगे आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन जाते हैं अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो है डाउनलोड करनी है BSNL विंग्स ऐप, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है आप सभी के लिए। तो मैं सिंपली इसको गाइस ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे जो है ये ऐप स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने बोल रहा है, आप जो है हिंदी लैंग्वेज भी कर सकते हो और इंग्लिश भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे गाइस यहाँ पे मुझे रजिस्टर होने के लिए मुझे पासवर्ड जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन में जाता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे मैं कोई सा भी एक नंबर जो है डाल देता हूँ। आपको जो नंबर आप वो नंबर डाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे जो है अपना नंबर डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे कुछ टाइम लेने के बाद उसने मुझे एक ऑप्शन दिया है, वो है सिलेक्ट सर्कल का, जहाँ पे आपको जो है अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे गाइज अपनी मध्य प्रदेश स्टेट है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ और ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ गाइज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे गाइज डायरेक्टली जो है ओपन हो चुका है मेरा ये ऐप, जहाँ पे मुझे डायलर सबसे पहले मिल जाता है। आप जो है कोई भी नंबर यहाँ पे आराम से डायल कर सकते हो और कॉल मेक कर सकते हो या फिर मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट में जो है कॉल का आपको ऑप्शन मिल जाता है और मैसेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो डायरेक्टली जाके आप मैसेज भी कर सकते हो और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो गाइज, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे मैसेजेस अगर आपको सेंड करना है तो आप यहाँ से मैसेजेस भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग से कहीं पे जाने की कोई भी जरूरत गाइस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाएंगे रिसेंट में, तो जो भी कॉल हिस्ट्री होगी वो यहाँ पे रिसेंट में आपको दिखाई दे जाएगी गाइस, ठीक है। फिर पर और जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारे कॉन्टेक्ट दिख जाते हैं, जितने भी आपके फोन में कॉन्टेक्ट होंगे वो सारे दिख जाएंगे। आप जो है सिंपली उनको कॉल कर सकते हो या फिर आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब जो अपन यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में गाइस जाने के बाद अपन जाएंगे अकाउंट्स में, और अकाउंट्स में जाने के बाद अपन जाएंगे एडवांस सेटिंग में। तो अपन को वहाँ पे कुछ नेटवर्क की कुछ नेटवर्क के अपन को बारे में देखने को यहाँ मिल जाता है गाइज, और यहाँ पे अपन को मीडिया के बारे में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि अपन अपने जो है साउंड को देख सकते हैं कि कैसा अपन को ज़्यादा करना है बड़ा करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग्स पे आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी हर कॉल की, जो भी आप गाइज कॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स पक्की है अपनी भाई। और अपन जाएंगे स्पीड डायल में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गाइस, जो कि आप जो है स्पीड डायल में भी आप जो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने एक पे क्लिक किया, एक पे क्लिक करने के बाद मैं कोई सा भी एक गाइस कॉन्टेक्ट ले लूंगा और उस कॉन्टेक्ट को रखूंगा यहाँ पे, तो वो एक नंबर पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया। तो आप ऐसे जो है 109 तक कोई भी कॉन्टेक्ट में आप कर सकते हो, और स्टार और हैशटैग में भी आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड डायल का भी बहुत ही अच्छा अपन को यहाँ पे ऑप्शन गाइस देखने को मिल जाता है। अब अपन जाएंगे गाइस चूज लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पे दो ही लैंग्वेज मिल जाती है, जो कि इंग्लिश है और हिंदी है, ठीक है। अब अपन जाएंगे अबाउट अस में, तो यहाँ पे जो है इनके बारे में कुछ इनके ऐप के बारे में जो है आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ने को मिल सकता है गाइस। तो अभी अपन इसको नहीं पढ़ेंगे, और अपन कॉन्टैक्ट अस में जाएंगे, तो कोई भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप जो है फॉर सपोर्ट कॉल हेल्पलाइन में आप जा सकते हो और आराम से इनकी सहायता गाइस ले सकते हो 24 आवर्स, ठीक है। अब अपन जाएंगे आप फीडबैक में, तो आप फीडबैक अगर आपको कुछ देना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप फीडबैक भी इनको मेल डायरेक्टली कर सकते हो, वो रिप्लाई दे देंगे आपको। तो गाइस यहाँ पे आप इतनी सारी चीजें इस ऐप से कर सकते हो गाइस। तो ये थी यार अपनी BSNL की विंग्स ऐप, जो कि एक डायलर ऐप है, और इसमें आप जो है कॉल भी मेक कर सकते हो और साथ ही साथ मैसेजेस भी मेक कर सकते हो गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।